जय भारत। मेरा नाम धनंजय शिंदे। पिछले एक हफ्ते से महामारी की वजह से अपने देश में कर्फ्यू चल रहा है। बड़े लोगों के साथ साथ ही बच्चों के एग्जाम कैंसिल हुए हैं और जून के पहले हफ्ते तक बच्चों को छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। लेकिन हम बुजुर्ग लोग घर पे बैठेंगे और इसी वक्त हर बच्चा जो नटखट होता है और अभी के ज़माने में जिसको टेलीविज़न और मोबाइल के ऊपर के जो गेम हैं उसमें खेलने में वो दिलचस्पी रखती है, सोशल मीडिया में जिस दिलचस्पी रखती है, ऐसे बच्चों को सही ढंग से संभालना और उनको सही दिशा देना ये सही माँ बाप का कर्तव्य होता है। मुझे 11 साल का बच्चा है युवराज, वो 5वीं कक्षा में है, लेकिन मैं उससे बचपन से ही दोस्त के तरह से, एक अच्छे मित्र के तरह से उसके साथ में बर्ताव करते आया हूँ। और इसीलिए जब कर्फ्यू का ऐलान किया गया तभी मेरे वाइफ ने और मैंने एक दूसरे के साथ में बैठ के पूरे 14 दिन का प्लानिंग किया, जिसमें बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी मेरी है और घर में खाना पकाना और बाकी जिम्मेदारियां मेरे वाइफ के हैं। युवराज पूरे दिन में मेरे साथ में हम टेलीविज़न देखते हैं, साथ में हम गेम खेलते हैं, साथ में हम अलग अलग किताबें पढ़ते हैं। वो इंग्लिश किताबें पढ़ता है, मराठी किताबें पढ़ने की कोशिश करता है और साथ में मुझे जो भी छोटे मोटे काम रहेंगे उसमें वो मदद भी कर रहा है। जैसे कि अभी ये जो वीडियो चल रहा है, इस वीडियो का शूटिंग युवराज कर रहा है। तो हम एक दूसरे के अच्छे मित्र बनने के कारण घर में शांति होती है और युवराज को भी अच्छा लगता है, उसको भी उसके मित्रों की कमियां नहीं होती। साथ साथ में व्हाट्सएप के ऊपर जो कॉलिंग का जो फैसिलिटी है उसके माध्यम से युवराज उसके कॉलोनी में रहने वाले जो दोस्त लोग हैं उन दोस्तों से दिन में एक या दो बार 10-15 मिनट के लिए संवाद करता है, जिसकी वजह से वो एक अलग ही उसे अनुभव मिलता है। और हमने देखा होगा कि अभी सब पूरा भारत घर में बैठा हुआ है तो टेलीकम्युनिकेशन या मोबाइल एक ऐसा माध्यम है जिसके ऊपर हम अलग अलग चीज़ें पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और न ही गेम या बाकी सब सोशल मीडिया की चीज़ें, बल्कि सीखने लायक भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा बेटा युवराज इन सब चीज़ों का अच्छी से अच्छी तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। वो मेरे साथ में घर में योगासन भी करता है, व्यायाम भी करता है। तो उसका मेरा जो दिन का शेड्यूल है सुबह से लेकर शाम तक, वही शेड्यूल मैंने युवराज के शेड्यूल के साथ में इंटीग्रेट किया है और इसीलिए उसको हैंडल करना एक बहुत ही आनंद की, दिलचस्पी की बातें है और मैं भी उससे सीखता हूँ, क्योंकि हम दोनों भी मित्र जैसा व्यवहार करते हैं इसीलिए। और घर की अंदर में बहुत ही सकारात्मक वातावरण, एक सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होती है। शुक्रिया। केयर वर्ड, कोरोना वायरस की खबर नहीं, जानकारी।